नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए व्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं अभी सूरत में हूँ और सूरत में दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को लेकर पहुँचा हूँ सूरत के सबसे, अगर बात करें तो मशहूर फैक्ट्री में, अलमेरा फैशन में। आप में से काफ़ी व्यूवर्स इस फैक्ट्री के बारे में जानते होंगे भाई, और मैंने आप सभी को लगातार सूरत का मैंने काफ़ी सारा आप सभी को ब्लॉग मेरे चैनल पर आप सभी को देखने को मिल ही रहा है। और मैं आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को इस फैक्ट्री में इसलिए लेकर विजिट किया हूँ और चूँकि मैं आप सभी को बता सकूँ कि यहाँ पे कितने रेट में आप यहाँ से कपड़े खरीद सकते हैं। और मैं आज की इस वीडियो में जो आप सभी को कपड़े दिखाऊंगा वो साड़ी दिखाऊंगा, कुर्ती दिखाऊंगा, लहंगे दिखाऊंगा, बहुत तरह का देख सकते हैं स्टॉक। अभी स्टॉक कपड़े का आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। मैं आप सभी से बता दूं तो एक एक कपड़े करके भी मैं आप सभी को नहीं बता सकता हूं, बट जो भी चीज़ है मैं आप सभी को बताऊंगा। और आज हमारे साथ रहेंगी अलमेरा फैशन से मैम सपना मैम। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है, कैसी हैं? बस अच्छे हैं, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैम ये आपका जो ये शोरूम है जिसका एड्रेस प्रॉपर, चूँकि मैं तो सूरत में हूँ और सूरत में मैं फर्स्ट बार विजिट किया हूँ, तो इसका एड्रेस लोकेशन थोड़ा आप बता देती सबसे पहले। सर सूरत, जैसे सूरत है, सूरत से रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन से आपको 2 या 3 किलोमीटर पे अंतर पे आने वाला है रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। और रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट का जो है गेट नंबर 2 या फिर 3 से 15 नंबर के लिफ्ट से आपको आना है थर्ड फ्लोर पर। फिर आपको तो देख ही जाता है अजमेरा फैशन का लोगो। अजमेरा फैशन जो है ना, ये होलसेल मार्केट है और होलसेल मार्केट में आपको बहुत सारी वैराइटीज मिलने वाले हैं। मतलब जिसको बिजनेस करना है ना तो बिल्कुल अजमेरा फैशन आ, मतलब बिजनेस करने का बहुत बड़ा मौका है। अभी कपड़े का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप छोड़ करना जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। अच्छा मैम, हम लोग कौन कौन सी कपड़ा आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे इस वीडियो में? बिल्कुल, ये जो काउंटर है, ये काउंटर आपको मिलने वाला है प्रिंटेड साड़ी का। मतलब अजमेरा फैशन में ना 24 काउंटर है, 24 काउंटर में आपको है ना 24 वेराइटी मिलने वाली है। मतलब ये जो काउंटर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अपने को मिलने वाली है जो प्रिंटेड साड़ी है, रनिंग बेस पे यूज करनी होती है वो साड़ीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद ये जो काउंटर है ना, मतलब बहुत सारे सेट यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये कैटलॉग पीसेस और लेस बॉर्डर की साड़ी यहाँ पे मिलती है। ओके मैम, हाँ। अच्छा मैम आपके, हाँ, यहाँ पे सूरत में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ इतने प्राइस से साड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप बताएं आपके यहाँ कितने प्राइस से साड़ी शुरू होती है? अपने अजमेरा फैशन में ओनली 45 रुपीज से स्टार्टिंग है साड़ी कलेक्शन। ओके, तो बहुत सारे मतलब आपको वेराइटीज मिलने वाली है। ओके, तो लास्ट का तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि 7000 तक बहुत ही मतलब बढ़ते ही जाते हैं बहुत सारे कलेक्शन। तो स्टार्टिंग प्राइस मैं बता सकती हूँ आपको 45 रुपीज से अपने पास साड़ी की स्टार्ट है। वो मैम हमारे व्यूअर्स को आप जो साड़ी जरूर दिखाइए जो 45 की आपके यहाँ साड़ी है, उस साड़ी को एक बार दिखाएंगे। प्रिंटेड काउंटर हम देख रहे थे ना, वहाँ पे आपको मिल जाती है जो 45 रुपीज के जो साड़ी मैं बोल रही थी जी वो आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे देख रहे हो ना बहुत सारी, ये सब साड़ी 40 रुपीज से शुरू है? नहीं जी, ये सबकी रेंज आपको अलग अलग मिलने वाली है। मतलब स्टार्टिंग रेंज मैंने आपको बताई है कि 45 रुपीज से आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, पर यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना, ये सबकी रेंज आपको अलग अलग मिलने वाली है। जी, एक बार दिखाएं। ये जो कैटलॉग्स आप देख रहे हो ना, बहुत सारे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब एक सेट आप ले रहे हो ना तो एक सेट में आपको सब डिजाइन अलग अलग है, सब कलर चार्ट आपको। अच्छा मैम, एक सेट भी मिल सकता है क्या इसमें साड़ी में, एक पीस भी ले सकते हैं साड़ी? नहीं सर, क्योंकि अजमेरा फैशन जो है ना ये होलसेल मार्केट है, तो होलसेल मार्केट में आपको है ना सेट टू सेट चीज़ें लेनी होती है। और सेट टू सेट मतलब सेट टू सेट लेते भी हो ना तो कस्टमर को यही फायदा ही है कि उसमें अलग अलग डिज़ाइन आपको मिल जाती है, अलग अलग कलर चार्ट आपको मिल जाते हैं, क्योंकि सेम मतलब जो चॉइस होती है ना वो अलग अलग होती है। ऐसे सबकी चॉइस सेम नहीं होती है, मेरी चॉइस अलग रहेगी, दूसरी जो लेडीज़ रहेगी उसकी चॉइस अलग रहेगी। तो आप है ना, जैसे आपको मैंने ये कैटलॉग दिखाया तो अलग अलग रेंज में भी आप सेल आउट कर सकते हो। जैसे ये पैटर्न की जो साड़ी है आप अलग रेंज में दे सकते हो, ये जो पैटर्न है वो अलग रेंज में दे सकते हो। ये आपके ऊपर है, मतलब जो भी कस्टमर है उनके ऊपर है कैसे सेल आउट करना है। और ऐसे तो अजमेरा फैशन में कोई भी कस्टमर आ रहे हैं तो उनके साथ एक सेल्समैन प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर तरीके से वो गाइडेंस करते हैं उनको कि कैसे इसमें मार्जिन निकालनी है, ये क्या मतलब मार्जिन निकाल सकते हैं हम, कितने पीस का जो सेट है, ये क्या मटेरियल्स है, ये सब आप। अच्छा मैम, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, चूँकि आपने बताया कि एक साड़ी तो यहाँ से खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तो मिनिमम हम लोग कितने रुपए की खरीदारी कर सकते हैं ये बताएं थोड़ा। सही, बहुत ही अच्छा सवाल किया मुझे आपने, क्योंकि सवाल होता है कस्टमर के मन में कि कितने मिनिमम हम लोग कितनी खरीदारी कर सकते हैं वहाँ से। राइट सर, बिल्कुल। कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे सोच रखते होंगे भाई सूरत के सबसे बड़े अगर फैक्ट्री हैं तो शायद ज्यादा प्राइस में ये लोग कपड़े छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम जान ही लेते हैं भाई मिनिमम कितना करना पड़ेगा जी। और स्टार्टअप करना है, घर से बिजनेस आपको करना है तो 20-25 समथिंग का अमाउंट लेके, मतलब 20 या 25 हजार का आप अमाउंट लेके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वेराइटीज आप यही नहीं कि आप साड़ी ही रख सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो काउंटर आपने देखा था वो लेस बॉर्डर साड़ी का काउंटर था, उसके बाद लाइव कस्टमर चालू है
यहाँ पे आपको वर्क साड़ी मिल जाती है, ये सब आपको वर्क साड़ी मिलने वाली है। पर ये चीज आप कोई भी लेते हो ना तो ये सेट टू सेट। अच्छा मैम थोड़ा सा ये बताते, वर्क वाली जो साड़ी है ये कितने प्राइस से शुरू हो जाती है? सर ये 200 रुपीज से आपको स्टार्टिंग हो जाएगी। तो लास्ट तो मैंने बताया, लास्ट का तो मैं बता नहीं सकती, पर स्टार्टिंग प्राइस की मैं बात करूँ तो आपको 200 रुपीज से स्टार्टिंग है। कलेक्शन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं सर, लाइट कलर चार्ट है, डार्क कलर चार्ट है, बहुत सारे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कलेक्शन वेराइटीज आपको बहुत सारी मिलने वाली है। अच्छा मैम हमारे बिहार और यूपी में खासकर के लहंगे काफी चलते हैं, तो वो सब लहंगे वगैरह आप लोग रखते हैं? हाँ लहंगे वगैरह भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। ये जो कलेक्शन है ना ये तो हम देखने वाले हैं, मतलब साड़ी कौन सी मिलने वाली है अजमेरा फैशन में। ये जो काउंटर आप देख रहे हो ना ये आपको ब्राइडल काउंटर मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी नजर जाएगी ना वहाँ पे आपको मिलने वाले है ब्राइडल साड़ी कलेक्शन, जो अपने साइड भी बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ही। और यूपी बिहार के कस्टमर भी बहुत आते हैं सर, मतलब बहुत हैप्पी होके जाते हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन उनको मिल जाते हैं, जहाँ पे वो बेस्ट सके घर से हो या फिर शॉप से हो, बिजनेस तो बिजनेस होता है, पर यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन आपको मिल जाती है। एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत सारे कलेक्शन है यहाँ पे। ओके दिखाएं कुछ कलेक्शन की जो है, मैं एक दो आपको सैंपल्स दिखा सकती हूँ किस टाइप का आपको यहाँ पे कलेक्शन मिलने वाला है। इस तरह से पैकिंग करके ही साड़ी जाती है क्या? जी सबकी अलग अलग पैकिंग होती है, बाकी की बैक पैकिंग आपको मिलती है। ये देखिए ऊपर की तरफ दिखाए तो कैमरा पर्सन जी बिल्कुल, ये जो आप सेम पैटर्न है ना कैटलॉग में यही आपको चीज मिलने वाली है, बहुत ही हेवी साड़ी आपको मिलने वाली है। ये ज्यादा करके उस साइड चलती है यूपी बिहार साइड, अगर बोलो तो दुल्हन साड़ी बोल सकते हैं, दुल्हन साड़ी बोल सकते हैं राइट। बहुत सारे कलेक्शन है इसमें, आपको वेराइटीज भी बहुत सारी मिलने वाली, पार्टी वेयर कलेक्शन है, 1 मिनट साड़ी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके मैम दोस्तों मैं आप सभी को आगे लेके चलता हूँ, और भी काउंटर लगे हैं, चूंकि मैम बता रही थी कि मैं आप सभी को अगर एक एक साड़ी करके भी दिखाऊं ना तो मुझे लग रहा है पूरा दिन यहाँ पे बीत जाएगा वीडियो दिखाते दिखाते आप सभी को। जी तो मैम अभी हम लोग दूसरे काउंटर पर लेकर आई है मैम, ये कौन सा काउंटर? ये काउंटर रहेगा सर कॉटन सिल्क साड़ी, जो कॉटन सिल्क साड़ी का डिपार्टमेंट है, लाइव परचेजिंग चालू, और जो हमारे काउंटर सेल्स है उनको गाइड कर रहे हैं, मतलब कस्टमर जो आते हैं ना तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गाइडनेस मिल जाता है, कोई भी तकलीफ नहीं है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करते ना सर तो बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, अलग अलग कंसेप्ट आपको किस टाइप के रखने हैं, वेराइटीज आपको किस टाइप की रखनी है, क्या एरिया वाइज चलने वाला है, क्या मार्जिन हम निकाल सकते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाता है। मतलब कोई भी वर्ष अगर इस बिजनेस को अभी मान लीजिए मेरी वीडियो के देख रहे हैं अभी फर्स्ट बार चैनल पे होंगे, चाह रहे हैं भाई मैं इस बिजनेस को शुरू करूं, तो उनके लिए तो आपको सहूलियत दे सकती है ना मैम कि कितना एरिया चाहिए मुझे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, कितना वो कुछ थोड़ा बता दीजिए आप हमारे? हाँ बिल्कुल सर, जैसे अमाउंट तो मैंने आपको बता दी कि इतने इतने अमाउंट में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, घर से कर रहे हैं, जो शॉप से कर रहे हैं हम, तो शॉप में क्या है ना बहुत सारी वैरायटी रखना जरूरी है क्योंकि सबकी जो चॉइस होती है अलग अलग होती है, और जैसे हम एक साड़ी देखते हैं तो एक साड़ी हम देखने से हैप्पी तो होते नहीं है, हम चार वैरायटी देखेंगे तब हम सेटिस्फाइड होते हैं कि खासकर तो बिहार और यूपी में ये चीजें चलती रहती है। बिल्कुल, मतलब लेडीज का यही होता है सर, आप एक दो वैरायटी देखोगे ना तो उसमें हैप्पी होने वाले नहीं है, वो एक साड़ी पसंद भी आ जाएगी ना तो भी बोलेंगे कि नहीं मुझे और दिखाइए कलेक्शन दिखाइए। ये जो काउंटर रहेगा सर ये है सिल्क साड़ी डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, पट्टू साड़ी, पटोला साड़ी, बहुत सारे कलेक्शन ये काउंटर में आपको मिल जाते हैं। बनारसी स्टाइल के इस टाइप के आपको बॉक्स पैकिंग वाली चाहिए ना वेरायटी, तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस का ये सेट है, ये आपको 200-300 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाता है, अलग अलग कंसेप्ट आपको मिल जाते हैं कॉटन सिल्क साड़ी के। अच्छा मैम यहाँ से अगर साड़ी कोई व्यूअर्स मंगाना चाहे तो वो उसके लिए आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है? ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हैं अगर यहाँ पे विजिट ना कर पाए सूरत में और घर बैठे मंगाना चाहे तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे यहाँ पे नहीं आ पा रहे ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर होता है उस पर कॉल या फिर मैसेज करके ना पीडीएफ मंगवा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि साड़ी का ही कलेक्शन मंगवा सकते हैं, कुर्ती है, लहंगा है, गाउन है, क्रॉप टॉप है, बहुत सारे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैम इधर जीन्स वगैरह भी रखे, जीन्स भी यहाँ से निकलता है क्या? हाँ जीन्स वगैरह भी, मतलब ये जो है ना सर ये कस्टमर ने चॉइस किया और प्रोडक्ट हमने साइड में रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे ऑर्डर नंबर लगाया हुआ है, किसी कस्टमर का प्रोडक्ट लिया है यहाँ पे ऑर्डर नंबर लगाया है, और विनीता नाम करके ये सेल्समैन थी, उनका जो सब ये लिया हुआ है ना ये सब सेफ्टी में रखा हुआ है, इनका पार्सल होगा शायद तक के, तो ये पार्सल का पूरा प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो साड़ी का टूर मतलब अपना हो गया है, बहुत सारे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, प्रिंटेड साड़ी, लेस बॉर्डर साड़ी, कॉटन
कॉटन साड़ी, कॉटन वर्क साड़ी है, फिर आपको शिफॉन कपड़े में चाहिए, फिर ब्राइडल साड़ी चाहिए, सिल्क साड़ी चाहिए, मतलब बहुत सारी कलेक्शन। मैम कुछ कुर्ती का हमें कलेक्शन दिखाती है आप? हाँ बिल्कुल, कुर्ती कलेक्शन भी आपको मिलता है, ड्रेस मटेरियल कलेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।